रीवा से है, जहां आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रीवा पहुंचे, जिनकी उपस्थिति में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान कई पार्टियों के सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि प्रदेश में पिछले लंबे समय से भाजपा सरकार चला रही है और सरकार के नाम पर लोकतंत्र नहीं बल्कि लूटतंत्र चल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार जैसे मुद्दों पर मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। क्षेत्र में प्राकृतिक और अन्य परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भाजपा की स्वार्थी और भ्रष्ट राजनीति की वजह से यहां के युवा, किसान और व्यापारी बेरोजगारी, गरीबी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान श्री सिंह ने भाजपा कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनाते हैं श्री सिंह ने क्या कहा। की सरकार चल रही है, ये सरकार और यहाँ की परिस्थितियाँ और जनता जिस लेवल पर त्रस्त है, यहाँ आम आदमी पार्टी की बेहद ज़रूरत है। और जो काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अरविंद जी के नेतृत्व में किया, वो काम की राजनीति आज पूरे देश में तेज़ी से फैल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी कामों की चर्चा है, तेज़ी से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा संगठन तेज़ी से अपना विस्तार कर रहा है। हम आगामी चुनावों की तैयारी भी कर रहे हैं और लगातार जनता के मुद्दे पे हमारे साथी, हमारी टीम, हमारे प्रदेश भर में और रीवा ज़िले में हमारे साथी लगातार उनके मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी रीवा की इकाई द्वारा नए साथियों के सदस्यता का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने और यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। जिस तरीके की काम की राजनीति को अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्थापित किया है, वो काम की राजनीति पंजाब पहुंची, पंजाब में पंजाब की जनता ने उस काम की राजनीति को मोहर लगाया और ये काम की राजनीति पंजाब होते हुए मध्य प्रदेश भी आ रही है। लगातार मैं भोपाल से लेकर, चाहे बुंदेलखंड का एरिया हो, चाहे महाकौशल का एरिया हो, चाहे बिंद का इलाका हो, यहाँ मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। बड़ी उत्साह के साथ लोग आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और अच्छी और खुशी की बात यह है कि इसमें ऐसे लोग बहुत से हैं जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो इसके पहले राजनीति को एक गंदगी मान के उससे दूरी बनाए रखते थे, वो नहीं आते थे। वो सब लोग आम आदमी पार्टी के आने से और इसके काम की राजनीति से, अरविंद केजरीवाल जी के कामों से सब लोग प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। मैं रीवा की टीम को भी बधाई देता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि बिंद में, रीवा में जल्द ही बड़े स्तर पे हमारा संगठन का काम भी चलेगा, बूथ स्तर पे हम संगठन भी मजबूत करेंगे। यहाँ संगठन के साथ साथ तेज़ी से आम आदमी पार्टी का माहौल भी बनेगा। आम आदमी पार्टी नगरी निकाय चुनाव और 2023 विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के कुशासन के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इनके भ्रष्टाचार के तंत्र को, लूट तंत्र को हम सब लोग, मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उखाड़ फेंकेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति यहां भी स्थापित होगी। तो यार 23 में 5 साल चुनाव होने वाला है, क्या देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर नगरी निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव, ये सारे चुनाव ताकत के साथ और तैयारी के साथ लड़ने जा रही है।